भाजपा जयपुर देहात उत्तर का प्रबुद्ध जन सम्मेलन मोदी @20 को लेकर प्रबुद्ध जनों का यह सम्मेलन। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। विशिष्ट अतिथि वासुदेव देवनानी, रामलाल शर्मा, जितेंद्र शर्मा है। अभी तस्वीरें जरा आप देखिए द्वीप प्रज्वलन के साथ इस सम्मेलन का आगाज, क्योंकि भारतीय संस्कृति की परंपरा भी है कि हर शुभ कार्य का आगाज द्वीप प्रज्वलन के साथ किया जाता है। तो वहीं अतिथियों का सम्मान करना, सत्कार करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और यही वजह है कि इस कार्यक्रम में भी सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान यहाँ पर अब किया जा रहा है। पहले द्वीप प्रज्वलन किया गया और उसके बाद अतिथियों का स्वागत। और कोशिश और कवायद यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से एक बड़ा संदेश सभी प्रबुद्ध जनों के बीच में जाए। किस तरीके से प्रधानमंत्री के जीवन काल से एक प्रेरणा ली जा सकती है, एक शिक्षा ली जा सकती है, और कितने बेहतर काम उन्होंने किए हैं इन 20 सालों के अंदर, उसको लेकर के जनता के बीच एक पॉजिटिव मैसेज का संचार किया जाए। तो वहीं ये मंच की तस्वीरें भी जरा आप देखिए। मंच पर आपको प्रकाश जावड़ेकर नजर आ रहे हैं, सतीश पूनिया नजर आ रहे हैं, रामलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, वासुदेव देवनानी नजर आ रहे हैं और अन्य कई गणमान्य हैं जो मंच पर मौजूद हैं। तो वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। जितेंद्र शर्मा भी मंच पर मौजूद है। वहीं ये तस्वीर एक और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं अब इस सम्मेलन को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, पूरी जानकारी चाहेंगे। और अभी देखिए स्वागत सत्कार की परंपरा, इसके बाद क्या कुछ खास? देखिए कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है, विधिवत रूप से शुभारंभ हो चुका है, लेकिन अब थोड़ी देर बाद प्रकाश जावड़ेकर के बोलने का इंतजार है। आपको मंच पे जो लोग दिखाई देते हैं उनमें प्रकाश जावड़ेकर है, सतीश पूनिया है, रामलाल शर्मा है, वासुदेव नानी है, मुकेश गोयल है, महेंद्र पाल यादव है, डॉक्टर पंकज तोमर है, और उनके अलावा रमा चोपड़ा, फूलचंद भिंडा समेत प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। और जयपुर देहात का ये कार्यक्रम रखा गया है और जयपुर देहात के इस कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। यहाँ पर स्वागत सम्मान के बाद थोड़ी देर बाद संबोधन शुरू होंगे, जिनमें सतीश पूनिया संबोधित करेंगे और प्रकाश जावड़ेकर संबोधित करेंगे। चूंकि प्रकाश जावड़ेकर राजस्थान में चुनाव के दौरान प्रभारी रहे थे तो उन्हें राजस्थान की राजनीति की गहरी जानकारी है, तो ऐसे में ये बात भी तय मानकर चली संगठन की नब्ज भी टटोल कर जाएंगे। जी बिल्कुल, संगठन की नब्ज भी टटोली जाएगी। और आगे किस तरीके का खाका तैयार किया जाए आगामी चुनाव को लेकर, इसको लेकर भी आलाकमान तक वो संदेश पहुंचाएंगे। और निश्चित तौर पर ये वो पुस्तक है Modi@20, जिसके माध्यम से एक बड़ा सियासी संदेश तो दिया ही जाएगा बीजेपी के द्वारा, साथ ही ये भी बताया जाएगा कि 20 साल के अंदर कितने नवाचार किए गए। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस ये Modi 20 करके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के जरिए आम कार्यकर्ताओं को साधना चाहती है, क्योंकि बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि आम कार्यकर्ताओं को साधते हुए आम जनता तक ये मैसेज पहुंचाया जाए और आम कार्यकर्ता जो है उनके दिलों और दिमाग में प्रधानमंत्री मोदी का जादू सिर चढ़कर बैठता है और आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे और नारे लगातार लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के जीवन परिचय से हर एक व्यक्ति को रूबरू करवाया जाए कि उनका जीवन किस तरीके से रहा है, और उनकी जो पुस्तक है ड्रीम मीट डिलीवरी, तो इस पुस्तक के जरिए कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंचे और वो मैसेज नीचे तक आम जन तक पहुंचे और चुनाव में भी इसका लाभ लिया जा सके। हालांकि बीजेपी उसे गैर सियासी करार देती है, लेकिन सीधे तौर पर ये सियासी माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव के लिहाज से भी बीजेपी को इससे फायदा ही होगा, नुकसान कहीं भी नहीं होने वाला। तो बीजेपी चाहेगी कि एक व्यक्ति के सूत्र में सभी लोग बंद कर रहे, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूत्र में सभी बंद कर रहेंगे। और यही कोशिश बीजेपी की रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, यही कोशिश और कवायद और आम लोगों तक भी ये संदेश पहुंचे, यही कोशिश इस तरीके के तमाम आयोजनों की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।